अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयदा साजिदा उद्दीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। राजेंद्र नगर पीएस हदूद 9 नंबर के पास रहने वाली एक खातून जिसका नाम फरजाना बेगम है, जिसकी शादी आजम के साथ 8 साल पहले हो चुकी थी। इनको 3 बच्चे भी है। कुछ दिन पहले फरजाना बेगम अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए गई थी। उसको नजर में रखते हुए आजम ने घर के मकानदार की लड़की के साथ बिना अपने बीवी को बताए धोखे से शादी कर ली। फरजाना बेगम ने राजेंद्र नगर पुलिस में इंसाफ के लिए एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने केस रजिस्टर करके अदालत को भेज दिया। मुकामी लीडर्स ने आकर बिना लड़ाई झगड़े के फरजाना बेगम को अपना सामान लेने दिया। रिपोर्टर अब्दुल जफरुद्दीन के साथ मैं सैयदा साजिदा, हैदराबाद टुडे न्यूज। बोलो मुझे बोलो। मेरे का ताला है, ये परसों कौन डाले मो मकान कौन सा है? मेरा नीचे का। नीचे का बताओ, ताला उठाओ। ये मेरा है, ये उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा मैं हमारे ननंद की शादी को गांव को गई थी, मलखेड़ को। हमारे शौहर भी ऐसे मेरे साथ 8 दिन रहे। मेरे को हमारे अम्मी के गाँव में खतना कर ले के बच्चे की बोल के छोड़ के हैदराबाद आ गए। हैदराबाद आके मकानदारा की बच्ची हमारे शौहर को घर में अकेले उनको देख के ज़बरदस्ती घुस के शादी कर ली। मालूम होने के बाद हमारे भैया को फ़ोन करे, मैं गाँव में थी, हमारे भैया मेरे को बुला लिए। मीडिया से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दी। 3 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। आप कंप्लेन करें अम्मा? हाँ कंप्लेन करें। कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? राजेंद्र नगर। अच्छा, हम किसके सहारे दिना? मेरे अब्बा का हार्ट का ऑपरेशन है, हमारे भैया एक अच्छा कमाने वाले, कोई भी नहीं है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बस्ती में कुछ शादीशुदा यहाँ पे किराए से रहते थे। वालेकुम। 9 नंबर मोहम्मदाबाद में आज एक मसला जो ना आया था, जो आपसी झगड़ा था वो ख़त्म करा के जो ना उनके कॉम्प्रोमाइज करा के जो बच्ची का सामान था सामान दिला दिए। वो जो है ना जो करा था पुलिस जो लीगल तरीके से उसके साथ जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करेगी। जो बच्चों को रखते हुए ऐसा सेकंड मैरिज करें, ज़रा कुछ शादियों को इस्लामी तरीके से रख के कुछ तो भी एक अच्छा सा हल निकाले तो बहुत बेहतर होया था। और ये पुलिस का भी अच्छा कॉपरेट मिला, बस्ती में लीडर होने के नाते जो भी है उनका सामान उमन दिला दे के जो भी बस्ती के ताल्लुक से हम जो हमारा जो हक बनता वो कर दिया।